नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। खबर यूपी के गाजीपुर से है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के कठौत गांव में सोमवार की भोर माँ और बेटी की गला दबाकर हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी आईजी के सत्यनारायण और एसपी ओम वीर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों से पूछताछ की, साथ ही मातहतों को जल्द से जल्द इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने का निर्देश भी दिया। उधर परिजनों के रोने बिलखने से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। कठौत गांव निवासी कौशल्या उम्र 70 और विवाहिता पुत्री मालती 35 घर पर अकेली थी। इस दौरान उनके साथ ये घटना हो गई। सुबह पुलिस को जब जानकारी मिली तो वे मौके स्थल पर पहुंची, साथ ही साथ उच्च अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करने की बात कही। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना का इस गांव में जो है एक 75 साल की महिला और लगभग 35-40 साल की दूसरा महिला, दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला घटना है। इसमें दो महिलाओं का मृत्यु हुई है। इसमें घटनास्थल पर मैं पहुंच गया हूं और कप्तान साहब और एडिशनल एसपी साहब पहुंचे हैं और अभी तक जो प्रकरण का प्राथमिक संज्ञान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम भी यहां मौके पर आई है, फील्ड यूनिट, और वो पूरा एविडेंस कलेक्शन करके गई है। ठीक सर, किस तरफ ये समझ में आ रहा है, क्या है घटना अभी कारण तक क्या? कुछ जो गांव वालों से सब लोगों से बात किया था तो एक जमीनी बेचने को लेके कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से ये गांव में दो बार पंचायत भी हुई और लोगों का आपस में इन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई, तो अभी देखो फिर विवेचना के आधार पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। ठीक है।